is reportedly a Bangladeshi. जयपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। एक पालतू कुत्ते ने 11 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। पिटबुल नस्ल के इस कुत्ते ने इस कदर बच्चे पर हमला किया कि मासूम के शरीर पर 20 से ज़्यादा जख्म हो गए। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कुत्ते के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी यह है कि जयपुर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, लेकिन इस कुत्ते के मालिक ने न तो लाइसेंस लिया, न ही अपने पालतू कुत्ते को रखने का पंजीकरण कराया। एक अनुमान के मुताबिक जयपुर में 50,000 पालतू कुत्ते हैं, लेकिन लाइसेंस सिर्फ 700 के पास। आईसीयू के अस्पताल में मौजूद विशान नाम का ये वही बच्चा है जिस पर कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। शरीर पर 20 से ज्यादा गहरे जख्म हैं, पूरे चेहरे पर पट्टियां बंधी हैं। जख्म तो फिलहाल ढक गए हैं, लेकिन इस मासूम के साथ जो कुछ हुआ उसका खौफ याद करके अब तक इसका दिल कांप रहा है। ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चे की हालत इतनी गंभीर है कि उसके स्किन के घाव भरने के लिए और जख्मों के निशान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। वैसे बच्चा होश में है, पर देखते हैं कि 24 आवर्स कैसे और आगे निकलते हैं। क्रिटिकल मान रहे हैं? कहाँ कहाँ उसके जो घाव आए? उसके जांघों की जो हड्डी है उसको भी काफी एक्सपोज किया, उसके चेहरे को काफी डैमेज किया है और एक दो जगह और भी काफी। बच्चे पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने जो हमला किया है उसे लेकर घर के मालिक ने सफाई दी है। उनका दावा है कि कुत्ता उनके भतीजे का है और जिस बच्चे पर हमला हुआ है उसका पिता इसी घर में मालिक का काम करता है। जिस वक्त ये घटना हुई उस समय माली घर पर मौजूद नहीं था और भतीजा घर के अंदर था। उसी दौरान कुत्ते ने अपनी रस्सी काटी और मालिक के बेटे के कमरे में घुसकर बच्चे पर हमला कर दिया। देखा तो कुत्ता ऐसे पड़ रहा था, उसको पकड़ के मैं ले आया बाहर लाके उसको छोड़ दिया। तो छोड़ने के बाद फिर ऑफिस में चल गया, फिर मैं उसको छोड़ा नहीं, मैं पकड़ गई उसको, बैठ गया एक जगह, बस बैठ गया। फिर वो बच्चा था, फिर वो मालिक आ गया। अब उसको मालिक आने के बाद वो मेरे को ये जाने वो ले गया कि या और किचन पकड़ा, उसको पकड़ के ले गया। फिर मैं बच्चे को उठा के और हमारे साथ एक पड़ोस वाला था वो, और हम दोनों वो गाड़ी आते हैं लाइट ठीक करने वाली, उस पड़ के फिर एक हॉस्पिटल पास में वो सब उसमें लाया था। लेकिन आपके भतीजे ने रखा है, वो तो जिम्मेदार है ना उसके लिए, लापरवाही के लिए? हाँ है जिम्मेदार। डिफेंड तो नहीं करेगी उनको आप? क्यों करेंगे डिफेंड? बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि आज इसका बच्चा इकलौता बच्चा है, ये तो हमें भी बहुत दुख है इस बात का। हमें बहुत दुख है कि इसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ, आज उसमें कितनी वेदना हो रही। ये तो माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी जब मुझे इतना दुख हो रहा। यह दर्दनाक खबर सुनकर राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री प्रताप खाचरियावास बच्चे का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बच्चे के बेहतर इलाज और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। डॉग तो डॉग ही रहेगा, शेर ही रहेगा, तो शेर तोड़ना पाले जाते हैं, लेकिन इस तरह के डॉग नहीं पाल सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस तरह के डॉग लोगों को नहीं पालने चाहिए और इस बच्चे का पहले इलाज करा दें, बचा लें। भविष्य में लोगों से मैं कहूँगा सावधान रहें, इस तरह के डॉग को लेकर ना खुला छोड़ें ना लेकर इनको। जयपुर शहर में हुई इस वारदात ने सबको हिला कर रख दिया है। सवाल यह है कि कुत्ते बिना नगर निगम की इजाजत के नहीं रखे जा सकते। ऐसे कुत्तों को घर में रखने के लिए नगर निगम से लाइसेंस लेना पड़ता है, क्योंकि ऐसे जानवर लोगों पर जानलेवा हमला भी कर सकते हैं। जिस वक्त पिटबुल डॉग बच्चे पर हमला कर रहा था, मासूम चीखने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी माँ वहाँ पहुँची और किसी तरीके से बच्चे को कुत्ते के चंगुल से छुड़ाया और फिर उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद नगर निगम की एनिमल शाखा की टीम वहाँ पहुँची और पिटबुल कुत्ते को अपने साथ ले गई। यह मामला इसलिए और गंभीर हो जाता है कि हमला करने वाला कुत्ता कोई आम कुत्ता नहीं, बल्कि ये कुत्तों की सबसे खतरनाक नस्ल में से एक है। ऐसे में इन्हें पालने के लिए कई तरह के नियम हैं, जिनका पालन न करने पर ऐसे हादसों का डर रहता है। दुनिया भर में पिटबुल नस्ल के कुत्ते पालने का काफी क्रेज है। लोग बड़ी कीमत चुका कर इन्हें खरीदते हैं, लेकिन अक्सर इनके हमले की खबरें भी सामने आती रहती है। अकेले अमेरिका में हर साल पिटबुल के हमले से 50 लोगों की मौत हो जाती है।
यही वजह है कि अमेरिका समेत कई देशों में इस नस्ल के कुत्ते पालने पर रोक है। इस घटना से हमें इस सबक लेना चाहिए कि अपने शौक के लिए दूसरों की जिंदगी को खतरे में न डालें। शहादत पर सियासत का सिलसिला पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुका है। हर साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। जब वो कांग्रेस में थी उस दौरान राइटर्स बिल्डिंग घेराव के दौरान हुई फायरिंग में 13 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी और इसी को लेकर के ममता बनर्जी ने भले ही कांग्रेस छोड़ दी हो लेकिन आज भी शहीद दिवस मनाती हैं। हर साल ये कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है लेकिन इस बार ममता वर्चुअली लोगों को संबोधित करेंगी। इस बार खास ये है कि चुनाव जीतने के बाद टीएमसी के हौसले बुलंद है और यही कारण है कि शहीद दिवस के जरिए देश भर में टीएमसी दस्तक देने की कोशिश कर रही है। इस बार इस कार्यक्रम को यूपी, गुजरात और दूसरे राज्यों में भी दिखाया जाएगा। साथ ही बीजेपी ने इसके जवाब में अपने कार्यकर्ता जो उनके मारे गए हैं उनको लेकर के शहीद श्रद्धांजलि दिवस की घोषणा की है। ममता बनर्जी तैयार हैं 21 जुलाई 1999 की उस घटना को याद करने के लिए जब लेफ्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन में कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता शहीद हो गए थे। कोलकाता के रॉयटर्स बिल्डिंग यानी मुख्यमंत्री दफ्तर का घेराव करने पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी। इसी आंदोलन के बाद ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस नेतृत्व का बड़ा चेहरा बन गई थी। तब से ममता हर साल उन कार्यकर्ताओं को याद करते हुए 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। यह कार्यक्रम बड़े स्तर पर होता है लेकिन ममता ने इस बार शहीदी दिवस वाले कार्यक्रम का दायरा बढ़ा दिया है। पिछली बार की तरह इस बार भी ममता शहीदी दिवस पर वर्चुअल कार्यक्रम करेंगी, बंगाल में मारे गए 13 कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देंगी। 21 जुलाई को पूरे बंगाल में स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित अन्य कई राज्यों में भी बड़ी स्क्रीन पर शहीदी दिवस का कार्यक्रम दिखाया जाएगा। पहली बार ममता बनर्जी 13 कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौत को लेकर मनाए जाने वाले शहीदी दिवस को बंगाल के बाहर प्रदर्शित करेंगी। 21 जुलाई के ऊपर भर करके हम लोग का जो शहीद हुए थे उसका रक्त में तृणमूल कांग्रेस तैयार हुआ था, तो ये 21 जुलाई पूरे भारत में अभी ममता बनर्जी का सब कोई चाहता है कि ममता बनर्जी ये ऑल इंडिया से जो बीजेपी विरुद्ध शक्ति है वो एकजुट हो उसका और उसका लीडरशिप ममता बनर्जी दे। बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रम में मारे गए कार्यकर्ताओं की याद में शहीदी दिवस को बंगाल के बाहर मनाने और दिखाने के पीछे की सियासत को लेकर विवाद शुरू हो गया है। ये तो ड्रामाबाजी है। दिल्ली या गुजरात या हरियाणा या पश्चिम बंगाल छोड़कर और कहीं भी अगर किसी सामान्य आदमी को पूछा जाए कि तृणमूल क्या होता है, ममता बनर्जी कौन होता है, तो वो लोग एकदम चुपचाप रहेंगे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो तृणमूल के नाम भी कभी नहीं सुना, ममता बनर्जी का नाम भी कभी नहीं सुना। टीएमसी के 21 जुलाई के कार्यक्रम का दायरा बंगाल से बाहर बढ़ाने के पीछे सियासत दिलचस्प है। टीएमसी को लगता है कि इस साल हुए विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत हासिल करने के बाद टीएमसी सीधा बीजेपी को टक्कर दे सकती है और ममता बनर्जी की सरपरस्ती में जो विरोधी दल है वो एक होकर बीजेपी को दिल्ली में टक्कर देंगे। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एक मुखर चेहरा बनकर भी सामने आई हैं। उधर बीजेपी का दावा है कि टीएमसी के ये सपने सपने ही रह जाएंगे। टीएमसी को शहीदी दिवस वाली सियासत पर जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी तय किया है कि 21 जुलाई को वो भी राज्य में हुई हिंसा के खिलाफ शहीद श्रद्धांजलि दिवस मनाएगी। ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को हराने के बाद शहीदी दिवस कार्यक्रम को उत्तर भारत के राज्यों में दिखाना चाहती हैं ताकि वो अपना वर्चस्व स्थापित कर सके, जबकि बीजेपी चुनाव हारने के बावजूद हर मुद्दे पर टीएमसी से टकराने के लिए तैयार है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच चुनावी संग्राम भले खत्म हो गया हो लेकिन दोनों के बीच टकराव अब भी जारी है। एक तरफ टीएमसी अपनी जीत के बाद अब दूसरे राज्यों में अपने कदम जमाना चाहती है तो वहीं बीजेपी जिसने कांग्रेस और लेफ्ट जैसे ऑपोजिशन को खत्म करके राज्य में प्रमुख ऑपोजिशन बने हैं वो टीएमसी को दिखा रहे हैं कि तुम डाल तो हम पात पात। इस बीच दोनों ही दल अपने अपने शहीदों को लेकर शहादत पर सियासत में जुट गए।
कोरोना के खतरे के बाद भी केरल में बकरीद के मौके पर छूट दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर केरल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने व्यापारियों की बात मान लेने पर केरल सरकार पर हैरानी जताई है और साथ ही कहा है कि अगर ऐसे में कोरोना बढ़ता है तो कार्रवाई की जाएगी। कई राज्यों में कोर्ट की चिंता के बावजूद भी बकरीद के मौके पर छूट दी गई है, हालांकि कई राज्यों ने लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा है। कोरोना पर सरकारों के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की चिंता बेवजह नहीं। केरल के कोच्ची की तस्वीरें इसकी वानगी। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद बकरीद पर खरीदारी के लिए निकले लोगों के चेहरे पर तो मास्क दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की हवा भी निकलती दिखी। लेकिन ये इकलौती तस्वीर नहीं, केरल जैसी ही तस्वीर देश के दूसरे हिस्सों में भी नजर आई। यूपी का लखनऊ हो या फिर कानपुर, बंगाल का कोलकाता हो या असम का डिब्रूगढ़, हर जगह भीड़भाड़ और बिना चेहरे पर मास्क लगाए खरीदारी करते लोग। जिस देश में रोज रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हों और तीसरी लहर का अंदेशा भी सिर पर मंडरा रहा हो, तो देश की सबसे बड़ी अदालत की तल्खी जायज है। एक दिन पहले जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हुई थी, आज वहीं से उसी तेवर के साथ ये आगे बढ़ी। देश की सबसे बड़ी अदालत ने व्यापारियों के दबाव में बकरीद से पहले ढील देने के लिए केरल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ये माफी योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर पाबंदियों में इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को और बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बकरीद के कारण केरल सरकार की ओर से लॉकडाउन में ढील के कारण कोरोना संक्रमण फैलता है तो कोई भी व्यक्ति इसे अदालत के संज्ञान में ला सकता है। कोर्ट इस पर उचित कार्रवाई करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दी लाइफ प्रैक्टिस इन केरला, इट इज वेरी डेंजरस पोजीशन, सो गवर्नमेंट हैव टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन। कल देर रात ही केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया था। इसमें केरल सरकार ने व्यापारियों के दबाव में ढील देने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि किसी भी तरह का दबाव भारत के नागरिकों के जीवन के सबसे कीमती अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। केरल सरकार ने छूट उस वक्त दिए थे जब देश में सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट केरल सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर कोर्ट का जो फैसला है उसी का पालन केरल सरकार भी करे। हालांकि अब कई राज्य सरकारें इसे लेकर गंभीर हुई हैं और अपने राज्यों में लोगों से सावधान रहने की अपील भी कर रही है। उसकी वजह बकरीद पर बाजारों में उमड़ने वाली भीड़ है, जिसे त्योहार पर कोरोना के नियम के पालन के टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ और कानपुर की तरह अलीगढ़ में भी बकरीद पर खरीदारी के लिए निकले लोगों और दुकानदारों के चेहरे से मास्क गायब दिखे। आगरा के बकरा मंडी का हाल तो और भी बुरा दिखा, जहां कुर्बानी के बकरे की खरीदारी के लिए लोग टूट पड़े। कोरोना के फैलने के खतरे को भांप कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसके मुताबिक बकरीद पर्व को देखते हुए सभी जरूरी प्रबंध किए जाएं। पर्व से जुड़े किसी आयोजन में 50 से ज्यादा लोग एक स्थान पर एक वक्त पे जमा न हो। प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी किसी भी हालत में न हो। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न हो और इसके लिए तय की गई जगह का ही इस्तेमाल किया जाए। हालांकि विपक्ष ने यूपी में कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के शुरुआती रुख को राज्यसभा में मुद्दा बनाया और सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने अपील की, लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, दिया जलाया, खुद को घर में कैद रखा, लोगों ने आप पर भरोसा जताया, लेकिन बदले में आपने क्या दिया? धोखा। हालांकि कावड़ और बकरीद पर सियासी बयानबाजी से हटकर लखनऊ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की और बदले माहौल में लोगों को बकरीद मनाने के तौर तरीके बताए। इस मौके पर सबसे यही गुजारिश है कि जो भी कोविड का प्रोटोकॉल है और हुकूमत की गाइडलाइन है और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगे महल लखनऊ ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर ही अमल करें, जिससे कि त्यौहार की खुशियों पर भी कोई असर ना पड़े, सब लोग त्यौहार भी मना लें और किसी किस्म से बीमारी फैलने का भी कोई खतरा ना रहे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के वसीम रिजवी ने तो कुर्बानी को नाजायज बताकर इस पर आने वाले दिनों में रोक लगाने तक की बात कह डाली। बकरीद में जानवरों की कुर्बानी दिया जाना नाजायज, इस पैसे से किसी गरीब की मदद की जा सकती है। अरब से चली कुर्बानी की प्रथा मुसलमान बच्चों के दिलों में रहम निकाले जाने के लिए जिहादी और कट्टरपंथी दृष्टि से चलाई गई थी, जो बेरहम किसी जानवर को काट कर ईद मनाए, वो इंसान कैसे हो सकता है?
यूपी की तरह दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद के इमाम ने भी कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बकरीद मनाने की अपील जारी की। बताया गया कि दिल्ली की जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद में बकरीद की नमाज आम नमाजी नहीं अदा कर पाएंगे। कोविड प्रोटोकॉल और गाइडलाइन दी गई है, उसी के मुताबिक अमल करें और बड़ी मस्जिदों में या मस्जिदों में बहुत ज़्यादा तादाद में जमा ना हो। जैसे लॉकडाउन में उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ी थी, उसी तरह पर ईद की नमाज़ पढ़ें और ज़्यादा बड़े इज्तिमाआत से बचें। बीते करीब डेढ़ साल में हर एक पर्व त्यौहार कोरोना के साए में मनाया जा रहा है। चूँकि इस महामारी का खतरा बड़ा है, इसलिए इस पर ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और इसका असर त्यौहारों की रौनक पर भी पड़ा है। इस वक्त लोगों की पहली प्राथमिकता हर एक की जान बचाना और कोरोना को हराना है, इसलिए ज़रूरी है कि सरकार के साथ ही धर्मगुरुओं की सलाह भी मानी जाए। उत्तराखंड के हल्द्वानी के पास एक गांव में लोग अपनी जान हथेली पे रखने के लिए मजबूर हो गए हैं। बरसात की वजह से नदियों का पानी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों से ये लोग पूरी तरीके से कट चुके हैं और घर में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए शहर जाने वाले लोग हर रोज मौत का सफर तय करते हैं। उफनती नदी में पानी के तेज बहाव के बीच कोई अपनी बाइक खींचता है तो कोई साइकिल के साथ नदी पार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग तो एक दूसरे का हाथ थामे तेज बहाव से भिड़कर नदी को पार कर रहे हैं। ये लोग रोज इसी तरह जान का खतरा उठाकर अपने दफ्तर जाते हैं। बरसात के मौसम में ये नदी के पास ही मौजूद नकायल गाँव के लोगों के लिए दुश्वारियों की वजह बन जाती है। 40 साल से ये आपदा हम झेल रहे हैं। उससे पहले हमारे पिताजी लोग झेलते थे। इस आपदा को लगातार वो लोग वो करते आ रहे हैं, बदस्तूर इसमें क्रॉस करके, जान जोखिम में डाल करके इसको क्रॉस करके सरकार की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं हम लोग। और ऐसी आपदा में हमारे पास मात्र 14-15 जो भी छुट्टियां होती हैं, वो सारी की सारी छुट्टियां जो हैं हम ये बरसात के महीने के लिए बचा के रखते हैं कि हमें इस महीने में छुट्टी की जरूरत पड़ेगी। लोगों का दावा है कि बरसात में नदी का रौद्र रूप उनकी जिंदगी की रफ्तार को रोक देता है। जान बचानी हो तो दफ्तर से छुट्टी लेना मजबूरी बन जाती है, तो वहीं कारोबारियों को अपना काम धंधा ठप होने का डर खतरा उठाने के लिए मजबूर करता है। लोग बताते हैं कि वैसे तो पूरे साल भर ये नदी सूखी रहती है, लेकिन बारिश के बाद नदी खतरनाक रूप ले लेती है। 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 40 साल से नकायल गांव के लोग नदी पर पुल बनाने का इंतजार कर रहे हैं। ये गांव हल्द्वानी शहर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है, मगर 7 किलोमीटर इन गांव वालों के लिए घंटों का सफर बन जाता है। ऐसे में जान का खतरा अलग, सबसे ज्यादा दिक्कत बूढ़ों को और बीमारों को आती है। ऐसे में स्थानीय लोग अब इस गाँव से पलायन करने के लिए सोच रहे हैं। हल्द्वानी शहर को गांव से जोड़ने वाला इकलौता रास्ता होने की वजह से बरसात में गांव दूसरे इलाकों से कट जाता है। ऐसे में लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने से लेकर चिट्ठियां पहुंचाने तक का काम भी सामने खड़े पहाड़ से मुसीबत बन जाता है। पानी की समस्या है, नदी आने के कारण मैं वहां तक नहीं पहुंच पाता हूं। तो इस चक्कर से हमें प्रधान जी को और लोगों को यहीं बुलाना पड़ता है। हमें हर साल की समस्या है। लोगों का आरोप है कि कई साल से लगातार मांग करने के बावजूद आज तक यहां पुल बनाने पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उच्च स्तर का प्रकरण है, तो यदि इस संबंध में कोई पूर्व में ज्ञापन आदि प्रेषित किया गया होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, लेकिन यदि इस तरीके की मांग आती है सामने तो मेरे द्वारा उसको उचित फोरम पे अग्रसारित किया जाएगा। पानी के तेज बहाव के बीच हादसा होने का खतरा लगातार बना रहता है। यही वजह है कि वहां से गुजर रहे लोग एक दूसरे की मदद करते दिखते हैं। लोगों का आरोप है कि शहर के इतने पास होने के बावजूद उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। बरसात के मौसम में हर साल देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां नदियां उफान के होने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती है। हैरानी इस बात की होती है कि हर साल हालात को मद्देनजर रखते हुए भी प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। जहां पुलिया, छोटे पुल, ये लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं, ऐसे में प्रशासन को लोगों के लिए एक अस्थायी पुल बनाकर उनकी जरूरतें पूरी करनी चाहिए।